प्रोटेक्शन की अगली एग्जाम्पल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर हमने जो इस तरह की जो एग्जाम्पल किए हैं जिसमें हमने एक पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर किया या पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन में डाला, इसका बेनिफिट क्या है, सिलेक्शन को भी रिमूव किया, क्या बेनिफिट क्या है। तो मेरे पास एक डेटा है, अब इससे मुझे क्या है कि इसमें कुछ डेटा एंट्री करना होता है, जैसे एंट्री किया पूजा 25 एनएमआरपी में डाला, ये बाकी जो देख रहे हैं अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। अब मुझे डेट एंड टाइम एंट्री करने के लिए 4 सेकंड देश करके मुझे जाना होता है डेट एंड टाइम पे, तो हर एंट्री पे मेरा 4 सेकंड वेस्ट होता है। दूसरा, इसके लगी अंदर लगी गई फॉर्मूले भी सेफ नहीं है, तो कुछ ऐसा करें जो मेरा कर्सर यहाँ पे जाए ही ना। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरी सीट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गए और यहाँ से हमने लॉक्ड को हटा दिया। उसके बाद हमने जो हमारा फॉर्मूला वाला एरिया था उसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट सेल पे आए और लॉक्ड को मैंने वापस लगा दिया। अब मैं पासवर्ड डालूंगा, पासवर्ड डालते समय यहाँ पे ध्यान रखिएगा सिलेक्ट लॉक्ड सेल, सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल। तो जो लॉक्ड सेल है उसको मैं अनचेक कर दिया, मतलब पासवर्ड डालने के बाद मैं सिर्फ अनलॉक्ड सेल जो कि कॉलम ए बी सी और यहाँ एच और आई है उसी को सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड डालिए, पासवर्ड को कन्फर्म कीजिए, पासवर्ड को कन्फर्म। देन ओके, अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पे टाइप करूंगा कि उदय, मैं नंबर डाला और देखिए टैब मारते कर्सर डायरेक्ट यहाँ मूव हो गया। अब मेरा कर्सर इनके बीच में रुक ही नहीं रहा है, इससे मैं हर बार 4 सेकेंड बचा सकता हूँ और मेरा फॉर्मूला भी सेफ रहेगा। एग्जाम्पल कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको कंटिन्यूस वीडियो चाहिए सिक्वेंसली एडवांस एक्सेल के लिए तो मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है।